हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ यूके के वीजा के बारे में। पहली बात तो मैं आप लोगों से एक माफी मांगना चाहता हूँ बिकॉज मैं वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा सा घर पे काम चल रहा था, उस वजह से वहीं पे मिस्त्री में बिजी रहता हूँ ना, उस वजह से। और बाकी मैं, हाँ ये है, इंस्टाग्राम पे और कम्युनिटी पोस्ट में वीजा जो आते रहते हैं डेली बेस पे, उनको मैं अपडेट करता रहता, तो आप वो जरूर देखते रहो, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। तो आज मैं आप लोगों से एक यूके के वीजा के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, जिनका क्लाइंट का नाम है दीपक सिंह, वो है दिल्ली के रहने वाले, ठीक है। अगर उनकी प्रोफाइल की बात करूँ तो उनकी नॉन टैक्सेबल आईटीआर थी अप्रॉक्स, एक आईटीआर थी उनकी 4.5 लाख की और एक आईटीआर थी 4,70,000 की, है ना। और उसके बाद अगर उनके अकाउंट के फंड की बात करूँ, उनके अकाउंट में थे अप्रॉक्स 4 लाख रुपये, हमने शो करे थे वीजा लगाने के लिए यूके के वीजा के टाइम पे, है ना। और बिल्कुल मतलब 3-4 महीने उनकी स्टेटमेंट में मेंटेन करवाई थी, जैसे मैं चाहता था, मतलब उनसे करवानी भी, जिस तरीके से वीजा अफसर देखते हैं उस तरीके से मैंने उनको बताया भी इस तरीके से स्टेटमेंट मेंटेन करो, तो उन्होंने उस तरीके से स्टेटमेंट मेंटेन करी और तो हमने उनका यूके का वीजा लगा दिया, है ना। अगर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की बात करूँ, वो सिर्फ थाईलैंड, दुबई और जॉर्डन वर्क परमिट पे थे, 3 कंट्री की उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। तो जॉर्डन में तो चलो वर्क परमिट पे थे और थाईलैंड और दुबई की ट्रैवल हिस्ट्री थी उनकी, है ना। और वैसे मैं साथ में उनकी वीडियो भी अटैच कर दूंगा, आप वो भी देख लेना, ना बिल्कुल नॉर्मल से प्रोफाइल थी, कोई ज़्यादा फंड्स नहीं थे, कोई ज़्यादा आईटीआर नहीं थी, है ना, फिर भी उनको वीज़ा मिल गया। हाँ ये बात है, थोड़ा सा दिल्ली का पासपोर्ट, मतलब पंजाब और हरियाणा के बजाय थोड़ा सा दिल्ली का पासपोर्ट या किसी और सिटी का या स्टेट का पासपोर्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं जाके मैटर करता है ना। बाकी अगर आप लोगों को भी यूके के वीज़ा लगाना है, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब वालों के लिए एक एनओसी चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए, आपकी 4 सैलरी स्लिप चाहिए, 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर है जॉब का तो वो लगा दो साथ में, है ना। और आपके 2 साल का आईटीआर, 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट होगी और आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, अगर आप मैरिड हो तो आपका साथ में मैरिज सर्टिफिकेट लगा दो, अगर मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो एक मैरिज का एफिडेविट बन जाता है तो वो लगा दो साथ में, अगर बच्चे हो तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट लगा दो, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उनका आधार कार्ड लगा दो, अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड के लिए पासपोर्ट, उनका आधार कार्ड और उनके मम्मी पापा का आधार कार्ड, ये चीज़ें लगेंगी, है ना। अगर कोई बंदा बिजनेस करता है तो बिजनेस वाले के लिए 2 साल का आईटीआर लगेगा, 4 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, उनके पास एमएसएमई, जीएसटी, एफएनबी या ट्रेड लाइसेंस होते हैं ना, जैसे हमारे पंजाब में, हरियाणा में तो ट्रेड लाइसेंस ज़्यादा चलती नहीं है, तो कोलकाता की साइड जो वेस्ट बंगाल में उनकी साइड ज़्यादा चलते हैं ट्रेड लाइसेंस, है ना, तो वो भी लगा सकते हैं यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। बाकी अगर मैं आज के ट्रेंड की बात करूँ तो यूके के वीज़ास बढ़िया आ रहे हैं, है ना। अगर आप लोगों को भी अप्लाई करना तो आप कर सकते हैं, बढ़िया सक्सेस रेट चल रहा है ना। और बाकी कोई भी आपका डाउट हो आप मेरे से बात जरूर करें, है ना, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दिया करें, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग 11 बजे के बाद और शाम को 7 बजे से पहले, है ना, मुझे आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। और बाकी कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपकी क्वारी हो, है ना। बाकी अगर मैं बात करूँ ना वीज़ास की, तो अभी बहुत बढ़िया कंट्री, जैसे कनाडा बहुत बढ़िया वीज़ास दे रहा है, यूके दे रहा है, जर्मनी बहुत बढ़िया वीज़ास दे रही है। जैसे मेरे कल 22 मार्च 2024 थी, तो कल मेरे वीज़ास आए 3 जर्मनी के, ना फ्रेश पासपोर्ट था, तो उनकी भी मैं रिसेंटली वीडियो बनाऊँगा, तो उनके वीज़ास आए हैं। वीज़ास बहुत आ रहे हैं भगवान की कृपा से, जापान के आए हैं मेरे 3-4 वीज़ास अभी 3-4 दिन पहले, जर्मनी के आए हैं, कनाडा के आए हैं 2 वीज़ास, है ना। तो मैं वीडियोस अपलोड करने में थोड़ा सा जरूर मैं डिले कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रूर करूँगा, है ना, बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा। और बाकी रही बात, एक मैं ट्रिप पे भी जा रहा हूँ तो अप्रैल में, है ना, तो अगर आप लोगों को भी मेरे साथ ज्वाइन करना है तो मैं उसके लिए एक वीडियो एक्स्ट्रा बना के डाल दूंगा, तो आप मेरे साथ उस ट्रिप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो बढ़िया इन्जॉय करके आएंगे। 20 अप्रैल को जाना है और 29 अप्रैल को इंडिया रिटर्न है ना, 9-10 दिन का ट्रिप है, तो अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ बात कर सकते हैं ना। तो बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा नाम दीपक है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री की बात करूँ तो मेरी 3-4 कंट्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री थी, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, और इसमें से मैं जॉर्डन पे वर्क परमिट पे था। और मेरी आईटीआर की बात करूँ तो मेरी आईटीआर नील की थी, 2 ईयर्स की आईटीआर लगी है, और मेरे अकाउंट में बैलेंस था अप्रॉक्स 4,50,000। एंड मैंने अरुण भाई से कांटेक्ट किया था सितंबर 2023 में, तो उन्होंने ही, मेरा अकाउंट मैनेज नहीं था अच्छे से, तो उन्होंने मुझे गाइड करा था कि कैसे अकाउंट मैनेज करना है, तो मैंने उसी हिसाब से मैनेज करा और आज मेरा यूके का वीज़ा अप्रूव हो गया है। थैंक यू अरुण ब्रदर।